एक और, छत्तीसगढ़ सरकार अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल बिहान की उपलब्धियां बताती है तो वहीं दूसरी ओर इससे जुड़ी महिला उपेक्षित है। कवर्धा कबीरधाम में मानदेय नहीं मिलने से भड़की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। नारेबाजी करते हुए महिलाएं वहीं बाहर बैठ गई। उनका कहना है कि 7 माह से मानदेय नहीं दिया गया, ऐसे में वे दिवाली कैसे मनाएंगे। वहीं दूसरी ओर अफसर 3 माह का भुगतान जल्द करने की बात कह रहे हैं। दरअसल बिहान के अंतर्गत काम करने वाली सैकड़ों महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंच गईं। महिलाओं ने वहां जमकर हंगामा किया और अफसरों को भी खूब सुनाया। महिलाओं का कहना था कि वे गांव से दूसरे गांव जाकर स्वयं सहायता समूहों का निर्माण करती हैं। इसके लिए उनका 3,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय निर्धारित है, लेकिन उन्हें फरवरी माह से दिया ही नहीं गया। उसके पहले भी जो मानदेय दिया गया उसमें भी कटौती की गई, अब बिल्कुल ही देना बंद कर दिया गया है। महिलाओं ने कहा कि मानदेय नहीं मिलने के कारण उनको कर्ज लेकर अपनी जरूरतों को पूरा करना पड़ रहा है। अब दीपावली का त्योहार आने वाला है, इस त्योहारी सीजन में उन्हें खरीदारी करनी है, लेकिन सभी के हाथ खाली हैं। महिलाओं ने बताया कि वह जिला प्रशासन से अपनी पिछले बचे हुए मानदेय की मांग को लेकर पहुंची थी, लेकिन अफसरों ने फंड रिलीज नहीं होने की बात कहकर असमर्थता जताई। अफसरों के मना करते ही आक्रोशित महिलाओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। महिलाओं ने कहा जब तक उन्हें पूरा मानदेय नहीं मिलेगा कलेक्ट्रेट परिसर नहीं धरने पर यूं ही बैठी रहेंगी। तो दूसरी ओर अफसरों ने उन्हें समझाने का भरपूर प्रयास किया। उनका कहना है कि पूरा मानदेय देने में वे असमर्थ हैं। महिलाओं की जिद को देखते हुए वे 2 माह का मानदेय दे सकते हैं। बिहार के जो विभिन्न कैडर होते हैं एफएल सीआरपी आर्मी के जो हमारे बिहार से होकर कार्य करते हैं उनके मानदेय विगत 4-5 माह से लंबित है। गवर्नमेंट से आवंटन अभी प्राप्त है, आवंटन में आजकल मिल जाएगा, आवंटन भुगतान कर दिया जाएगा। और जो राशि कम प्राप्त की बात कर रहे हैं वो जो नियम से रॉन्स में आता है उसमें भुगतान किया जा रहा है। जी सर, हम लोग बिहार सरकार से जुड़े हुए हैं। सभी दीदी, कोई तकलीफ मिला है, कोई बीसी सकी, कोई पशु सकी, मैं आईसीआरपी दीदी हूँ, है नहीं, जो कि पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल में काम करते हैं। हम लोग समूह गठन का काम करते हैं सर, अलग अलग पंचायत में जा करके दीदी लोग को समूह गठन करते हैं, अलग अलग बात में जा करके, लेकिन हम लोग का मानदेय अभी तक नहीं मिला है। हम लोग का जनवरी फरवरी के काम अभी तक नहीं मिला है। हम लोग को ऐसा नहीं है कि हम लोग का कंटिन्यू काम रहता है, गैप गैप में हम लोग करते हैं, भेजा जाता है तो आदेशित होकर के, लेकिन अभी तक पेमेंट मिला है। दूसरे जाते हैं, दूसरे ब्लॉक में काम करते हैं, तो हम लोग को कुछ समस्या नहीं आती है सर। बताइए, दूसरे पंचायत में जाके अनजान जगह में जाके हम लोग रहते हैं।